सभी दोस्तों को राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई ग्रुप सी फार्म भरने पर जो आपके सवाल आए हैं, जो आपके डाउट आए, उन पे बात करेंगे। भाई बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट क्लियर करने का प्रयास करूँगा। वीडियो में एंड तक बने रह सकते हैं। भाई जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी चीज़ें दिखाई जाती है। भाई जो चीज़ें आप हमसे पूछते हैं वही चीज़ें दिखाते हैं, जो आपने हमसे चीज़ें पूछी है वो चीज़ें आपके सामने हैं। तो भाई क्योंकि यहाँ पे हमारा काम है आपके मुद्दे रखना, फालतू चीज़ें हम शेयर ही नहीं करते भाई। तो भाई जो ओरिजिनल अपडेट है, जो आपसे जुड़ी हो, वो चीज़ें आपको मिलेगी। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। और इतनी मेहनत करते हैं आपकी चीज़ों को एनालाइज करके आपके सामने रखते हैं, तो आपका भी इतना दायित्व बनता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बिना देरी के मुद्दे की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले तो भाई ये बात करेंगे कि ग्रुप सी का फॉर्म भरने पर जो आपके सवाल हैं वो आपके सामने हैं। फिर भी और कोई साथी का कुछ भी डाउट रहे तो पूछ लेना भाई, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउटों की चर्चा हो जाएगी। क्योंकि हमारा काम ही आपकी समस्या को आगे रखना है, आपकी समस्या का लगभग एनालाइज करके भाई आपको संतुष्ट करना और आपकी चीज़ों को मैनेज करके चलना है। तो बात करें भाई ग्रुप सी फार्म भरने पर आपके जो सवाल हैं, क्या नए कैंडिडेट्स को मौका है, क्या नई शैक्षणिक योग्यता ऐड होगी, क्या भाई जो आपकी नई क्वालिफिकेशन है वो इसमें ऐड हो जाएगी, क्या सभी क्वालिफाई को कैंडिडेट को मौका मिलेगा, क्या भाई सभी को भरना है क्या फॉर्म, EWS का नया बनवाना है क्या, OTP नहीं आ रहा भाई, सबसे ज़्यादा मैसेज है OTP के, बाकी ग्रुपों के फॉर्म कब निकलेंगे भाई, सारी की सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। उससे पहले तो भाई आपने कल मैच देखा क्या वो बताओ भाई, जिसने कल नहीं मैच देखा ना देख लो, कितना ज़बरदस्त मैच था। आपके हिसाब से टर्निंग पॉइंट क्या रहा है भाई भारत को जीतने का? मेरे हिसाब से सूर्य कुमार का वो कैच जब मिलर ने छक्का लगाने का पूरा प्रयास किया और बाउंड्री से वो छक्का कैसे कैच आउट किया भाई, आप सभी ने देखा होगा, मेरे हिसाब से तो वो टर्निंग पॉइंट है। आपके हिसाब से क्या है? ज़बरदस्त मैच था भाई, 24 गेंदिया में 26 नंबर, जब किलर मिलर भाई सामने हो और इतने विकेट उनके पास हो तो भी मैच भारत ने क्या उनके हाथ से भाई उनके जबाड़े से निकाल लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीम है, पहली बार फाइनल के अंदर गई थी, लेकिन हम तो अपने देश को सपोर्ट करेंगे भाई, ये होती है विजय। क्योंकि धैर्य से भाई सारी की सारी चीज़ें, मेहनत का तो भाई भगवान भी साथी होता है। तो अब आप धैर्य से तैयारी करते रहो, विश्वास बना के सारी चीज़ें आपके सामने हमारा प्रयास है भाई क्लियर करते रहें, और पढ़ते जरूर रहो भाई। अगर आप चाहोगे कि सर आप भी करंट अफेयर या हरियाणा जी के जो आप पहले करवाते थे वो शुरू कर सकते, तो भाई हम भी शुरू कर देंगे, जो आप चीज़ें पूछोगे तो उसी हिसाब से करेंगे भाई, ठीक है। तो बिना देरी के भाई पॉइंट टू पॉइंट बात कर लें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो हमारी हो गई, तो बताना भाई टर्निंग पॉइंट क्या, मेरे हिसाब से तो वही कैच है। तो बात करें भाई नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा क्या, देखो भाई नए कैंडिडेट को कोई मौका नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिन्होंने CET एग्ज़ाम ही नहीं दिया भाई उनको मौका नहीं दिया गया, तो वो क्या करेंगे। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि सर ये तो नए हैं, ये तो तैयारी कर लेंगे, लेकिन हमारी तो उम्र है जाने वाली है, हमारा तो ये लास्ट चांस है भाई। आपकी बात सही है और इन बच्चों की भी बात सही है, तो इन बच्चों की और आपकी बात में दोष किसका है, सरकार का ही है। सरकार को सोचना चाहिए भाई नए बच्चों को फार्म भरने का मौका नहीं है, ओनली CET क्वालिफाई ही इसमें फार्म भर सकते हैं। CET क्वालिफाई सभी को फार्म भरना है भाई, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, नई शैक्षणिक योग्यता इसमें ऐड होगी क्या भाई, नई शैक्षणिक योग्यता भाई जो आपने जैसे अब ग्रेजुएशन की है, ठीक है ना, अब आपने +2 की है, ठीक है ना भाई, क्या ये ऐड होगी क्या। तो ग्रेजुएशन ही की होगी भाई, +2 पे तो आपने फार्म ही भरा था, CET पर एग्ज़ाम दिया होगा, तो ग्रेजुएशन की है, किसी ने कुछ डिग्री की है, ठीक है ना, किसी के पास क्या कुछ डिप्लोमा है, तो क्या वो ऐड होगा क्या भाई, ये चीज़ें हैं। तो भाई ज़रूर आपका ऐड होगा, ये कन्फर्म है भाई, आपका ऐड हो जाएगा वो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं, लेकिन वो 8 जुलाई से पहले का होना चाहिए, 8 जुलाई के बाद का वो नहीं होना चाहिए, जो आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है भाई, जो आपकी DMC है।
आपकी नई शैक्षणिक योग्यता ऐड हो जाएगी, लेकिन इसमें नए कैंडिडेट शामिल नहीं हो सकते, ये बात देख लेना। तीसरा क्वेश्चन है भाई, सभी क्वालिफाई कैंडिडेट को भरना है। सभी क्वालिफाई कैंडिडेट को भाई फार्म ज़रूर भरना है। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि सर हम तो चार गुना में ही नहीं आएंगे, हम क्यों पैसे लगाएं, हम क्यों फार्म भरें। भाई अगर आप चार गुना में नहीं आ रहे तो क्या फार्म ही नहीं भरोगे। अभी सीटी क्वालिफाई वाले साथी हैं भाई, पूरा प्रयासरत हैं, उस ग्रुप में आप जुड़ जाओ, ठीक है ना। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के साथ भी मिले हैं, तो उन्होंने एक बात ज़रूर की है भाई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो हमारे हिम्मत सिंह चेयरमैन हैं, कि आप कोई प्रूफ ऐसा ले आओ कि जिसमें भाई हम ये देख सकें कि चार गुना से आगे कुछ हो सकता है क्या, ठीक है ना। तो क्या पता भाई साढ़े चार गुना या कुछ ज़्यादा हो जाए, क्या पता बाद में पाँच से सात गुना बुला लें देख के, क्योंकि हुआ है पहले, क्योंकि राजस्थान में भी हुआ है और स्टेट में भी हुआ है भाई, ठीक है ना। तो फार्म तो भर दो यार, फार्म तो सभी ने भरना है। अब कुछ साथियों के ये डाउट हैं, सर जर्नल में सीटी क्वालिफाई कितने पे था और रिजर्व में कितने पे था। भाई जर्नल में लगभग 47.5 पॉइंट कुछ, ठीक है ना, 47.5 कुछ है या 47 पॉइंट कुछ है, और जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है भाई, आरक्षित कैटेगरी है, उसमें 38 नंबर रिजर्व कैटेगरी में, जिसके 38 नंबर है वो फार्म भरे भाई रिजर्व कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में जो 47.5 पे है भाई, 47 पे है वो फार्म भरे। क्वालिफाई है ना जो साथी, जो ओनली क्वालिफाई है, ठीक है ना, जिन्होंने सीटी सिर्फ क्वालिफाई है, वो भी फार्म भर दो, ठीक है। तो भाई और भी डाउट आप बताते रहना, सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगा। EWS का नया बनवाना है क्या भाई? बिल्कुल बनवाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका हर साल बनता है भाई, लेटेस्ट चलेगा आपका, क्या चलेगा, लेटेस्ट, नया बनाना पड़ेगा EWS का, ठीक है ना। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि सर मैंने तो पीछे बनवाया हुआ है, मेरा 2 महीने हो गए हैं, मेरा 3 महीने हो गया, क्या वो चल जाएगा क्या, मैंने सीटी में वो लगाया था, फलाना लगाया था, दिकड़ा लगाया था। कुछ नहीं भाई, आपने EWS का नया बनाना है। BCB का भी भाई शायद आपको नया बनवाना पड़े, ठीक है ना, ये मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा। BCB है, BCA है भाई, ठीक है ना। SC का शायद तुम्हारा पुराना ही चल जाए, पिछले साल का, लेकिन BCB का भाई आपको शायद वो लेटेस्ट बनवाना पड़ जाए, ये मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई EWS के बहुत ज़्यादा मैसेज थे, तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, ये हर साल आपका नया बनता है, क्योंकि जो आपकी इनकम है उससे संबंधित है भाई, ठीक है ना। तो क्या इनकम तो आपकी साल में अपडेट होती है ना, किसी की कम हो रही है, किसी की ज़्यादा हो रही है। तो आगे पॉइंट है जो आपका, OTP नहीं आ रहा सर भाई, OTP का सॉल्यूशन आपका जल्दी हो जाएगा, OTP का समाधान आपका क्या हो जाएगा, जल्दी आपको देखने को मिलेगा। OTP वाला भी क्वेश्चन बहुत है सर, ईमेल पे OTP नहीं आ रहा, HSSU जो क्या है OTP नहीं भेज रहा। एक तो भाई आप क्या है, जल्दी अपने दिमाग में घोड़े मत दौड़ाओ, इतनी जल्दी क्या फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 दिन तो आप वेट कर सकते हो, कल ही तो आपके फार्म शुरू हुए हैं, ठीक है ना, कल आपके फार्म शुरू हुए हैं। अगर आप 30 तक वेट कर लोगे, 1 तक वेट कर लोगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन क्या है, 29 तारीख आती बस फार्म भर दो, क्या पता फिर कुछ भाई आपको कुछ ऐड करना पड़ जाए, ठीक है ना। ये चीज़ें आप नोटिस किया करो यार, इतना तो अनुभव है कि आपने कितने फार्म भर रखे। मैं आपके फायदे कह रहा हूँ, बिल्कुल आराम से धैर्य से चीज़ों के लेके चलो। 8 जुलाई लास्ट डेट है, 8 जुलाई, 8 दिन बहुत होते हैं यार, अगर 1 तारीख से भरोगे, ठीक है ना, कम से कम 24 घंटे या 12 घंटे तो वेट करना चाहिए, आते ही साइट पे टूट पड़ो, जो आपको नई चीज़ मिलेगी उस पर कितना टूटोगे आप देख लो। तो बाकी बात है भाई आपकी जो, कि बाकी ग्रुपों के फार्म कब निकलेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, बाकी ग्रुपों के फार्म कब निकलेंगे। ये जो आपके फार्म निकले हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, 56-57, लगभग 14,500 के आसपास वैकेंसी हैं भाई, 56-57 में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है। कितना पे कट ऑफ जाएगी, क्या कुछ मैटर रहेगा, सारी चर्चा करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा काम आपके मुद्दे रखना, आपकी चीज़ें दिखाना भाई, कंप्लीट वीडियो देख लेना, ठीक है भाई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहा करो, ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, कोई भी डाउट है तो बता दियो, आगे डाउट आपके ले लेंगे।
तो भाई लाइव आने का टाइम को नहीं, थोड़ा देखो भाई ऑफलाइन अकेडमी में पढ़ाना होता है और अन्य काम भी होते हैं, ठीक है ना, पर्सनली काम होते हैं। तो भाई बाकी ग्रुपों के पेपर आपके जल्दी से जल्दी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना भाई। बाकी ग्रुपों के पेपर देखो, जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने एक बात क्लियर बोली है कि सबसे पहले हम वो एग्ज़ाम लेंगे जिनमें बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है ना भाई, जो बच्चे कहो या फिर आप पोस्ट कहो, ठीक है, समझ गए, जिनकी पोस्ट ज़्यादा है उनके एग्ज़ाम क्या है भाई, पहले लिए जाएंगे, जिनकी ज़्यादा पोस्ट है। अब आप समझ जाओ, जिनकी ज़्यादा पोस्ट है उनके एग्ज़ाम पहले होंगे भाई, ये साफ तौर पे कहा है। और बाकी ग्रुपों के भी भाई आपको 5-6 जुलाई तक या 7 जुलाई तक आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी शुरू कर दो। अगस्त और जो आपका सितंबर का फर्स्ट वीक है, सारी की सारी चीज़ें आपकी नौकरी ज्वाइनिंग सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। तो बाकी ग्रुपों के भाई फार्म निकलेंगे, दिक्कत ना लो, और कोई डाउट हो तो पूछ लियो भाई। अब थोड़ा मैं आपको एक बात कहता हूँ, अब कुछ साथियों के पास मेरा पर्सनली फ़ोन नंबर है, वो क्या करते हैं, कॉल करते हैं, कॉल पे तो भाई आप 5 से 10 मिनट बात करोगे, ठीक है ना। तो अगर 3 या 4 बच्चों के पर्सनली फ़ोन आ गए तो कितना समय अपना गया, ठीक है ना। एक अपना कोई मैसेज करके, मैसेज में पूरी पूरी समस्या लिख दो, ठीक है ना, डाउट बता दो, वो मैसेज देख के मैं वीडियो बना दूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरा प्रयास अभी आपके लिए एक ही वीडियो बतेरी, क्योंकि एक वीडियो सुबह डाल दी या कभी भी डाल दी जब मुझे टाइम लगे, उस वीडियो के नीचे आप डाउट बताओ टेलीग्राम पे बताओ, फिर मैं बिल्कुल आराम से सारे डाउट देख लूँ, फिर एक वीडियो में उन डाउटों को भाई दूर करने का प्रयास करूँ, ठीक है ना। एक वीडियो बहुत होती है दोस्तों, ज़्यादा वीडियो मैं भी नहीं डालना चाहता। तो भाई देखो, फ़ोन करने से आपका क्या, एक तो समय बर्बाद है, समय बर्बाद क्यों है, वेस्ट होगा हमारा समय, स्वयं देखना चाहिए। आप फ़ोन पे समस्या बताओगे, एक लिख के समस्या देखो भाई, आप टेलीग्राम पे पर्सनली बता दो, मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, नीचे कमेंट कर दो यार, कितनी सुविधा है, ठीक है ना। एक तो कॉल करते हुए देखा करो कि और भी बंदे ने काम हुआ है, ये मैं डायरेक्ट किसी का फ़ोन कट कर दूँ, मैं फ़ोन नहीं उठाऊँ, ये भी मेरी गलत बात है, क्योंकि कल मेरे पास फ़ोन आया कि सर हम बेरोजगार हैं, हमारे लिए क्या भाई, मैं बेरोजगार नहीं, मैं कौन सा रोजगार दूँ, मैं तो यार आपकी बात रख रहा हूँ, मैं तो जो चीज़ें आप मेरे से पूछ रहे हो वो चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि वो चीज़ें भाई आगे जाएं और बच्चे देखें और वो कुछ ना कुछ आगे समाधान हो सके और बच्चों के डाउट क्लियर हो सके, जिन बच्चों को कुछ नहीं पता है, क्योंकि आधे बच्चों को तो ये नहीं पता भाई सीटी क्वालिफाई करें, फार्म भरना या नहीं भरना, डेट क्या है। आधे से ज़्यादा एक दो बच्चा तो अब भी मिल जाएगा जिनको ये नहीं पता भाई, ग्रुप सी के दोबारा से फार्म निकल चुके हैं, सच्चाई ये कड़वा सत्य है। और एक और सरकार की ये बहुत जो गलत बात है भाई, कि 4 गुना वाली जो एडवर्टाइजमेंट में ये बात कही गई थी वही बात लागू करें, हम तो सर्व दिन से यही बात करते थे भाई, ये थोड़ा आगे बढ़े, क्वालिफाई करें या कुछ करें, क्योंकि इसको सरकार को खुद ये कामयाजा उठाना पड़ेगा इन चीज़ों का, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे कितने ऐड हो पाएंगे उसके बाद अगर ये पॉलिसी लेके चलते हैं तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों आप धैर्य से पढ़ते रहो, सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपकी लेके चलेंगे, आप पर्सनली मैसेज कर दो, आप टेलीग्राम पे कर दो, नीचे वीडियो पे कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है ना, और डाउट हो तो बता दियो भाई, थोड़ा आप कॉल करते हुए आप स्वयं देखा करो कि आप काफ़ी वेस्ट टाइम हुआ है और सामने वाले का भी हुआ है, 5 से 10 मिनट अगर बात नहीं करी तो वैसे डाउट क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैंने 2 मिनट आपका फ़ोन उठा भी लिया तो क्या आप डाउट बता दोगे, नहीं बता सकोगे, तो 5 से 10 मिनट तो बात करनी पड़ेगी। अगर आप 2-3 मिनट में आराम से बिल्कुल मैसेज टाइप कर दोगे वो चीज़ मैं देख लूँगा, कितना समय भी बचेगा और उतने समय में तो मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा भाई, ठीक है। तो भाई और डाउट बता दियो, लगभग मेरा पूरा प्रयास है कि आपके डाउट यहाँ पे क्लियर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और ये ज़रूर बताना भाई कल का मैच का टर्निंग पॉइंट क्या रहा। मेरे हिसाब से सूर्य कुमार का वो कैच जो किलर मिलर का छक्का था भाई, लेकिन किलर मिलर आउट्स हो गई, तो दोस्तों ज़बरदस्त मैच था, फाइनल मैच था, हम इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट में, जब भारत खेल रहा फाइनल तो भारत को सपोर्ट करें, ये इंडिया इंडिया इंडिया। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।